जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए साहिबगंज के लाल कुलदीप उरांव शहीद हुए थे। शहीद कुलदीप उरांव के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं रविवार को शहीद कुलदीप उरांव की तीसरी पुण्यतिथि जेप 9 के समीप बनी समाधि स्थल पर मनाई गई। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, विधायक अनंत ओझा, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रामानंद शाह सहित कई लोगों ने शहीद कुलदीप उरांव के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक अनंत ओझा ने कहा कि साहिबगंज के लाल शहीद कुलदीप उरांव के शहादत को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हमें गर्व है कि साहिबगंज जिला के लाल ने मां भारती के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। पूरे जिला वासियों को उन पर गर्व है। के सपूत झारखंड के लाल शहीद कुलदीप उरांव जी का आज पुण्यतिथि है और उनके शहादत को नमन करने के लिए हम सब आए हैं। हमें गर्व है कि साहिबगंज जिला के माटी का लाल, झारखंड के लाल ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब जिलेवासियों को गर्व है और उनके शहादत को सत सत नमन है। वहीं मौके पर शहीद के पिता घनश्याम उरांव ने कहा कि हमने बहुत कठिनाई से अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। कुलदीप बड़ा होकर 118 बटालियन में सीआरपीएफ के जवान बने। वह श्रीनगर में पदस्थापित थे जहां उग्रवादियों से लोहा लेते हुए कुलदीप शहीद हो गया। अपने पुत्र पर मुझे गर्व है। ये हमारा लड़का जो है शहीद कुलदीप कुमार उरांव, बहुत कठिनाई से इसको जो है पाला पोसा और सीआरपी में भर्ती किया गया और वो भर्ती जो है मुकामा घाट में हुआ था और 118 बटालियन में। वैसे बदली तो बहुत होता रहा लेकिन 118 बटालियन में श्रीनगर में पोस्टिंग हो गया। वहीं जा उसी जगह में जो है इसका उग्रवादी से मुठभेड़ में मारा गया, जिसमें कि दो लड़का है और दो लड़का में एक सबसे छोटा लड़का कुलदीप कुमार उरांव है। उसी का आज जो है तीसरा पुण्यतिथि थी, उसी को आज मनाने के लिए सब परिवार हम इकट्ठे हुए थे।